हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। सो किड्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर चैप्टर एमएस वर्ड, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एमएस वर्ड, वी हैव गिवन अ लॉन्ग टाइम ऑन दैट चैप्टर एंड नाउ इट्स आवर टर्न टू रीड पावर पॉइंट। तो वी विल स्टार्ट विथ क्लास फोर्थ बुक, ठीक है? एमएस पावर पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Now this software, that is MS PowerPoint, let me open the page first. See, हमने बहुत ज़्यादा time word को दिया, हमने काफ़ी सारी सारी चीज़ें सीखी भी MS Word में। Rest of the thing we will, जो भी चीज़ें रह गई या like exercise question or whatsoever, that we will discuss in our online class. Now the next software that we have to read is, next software that we have to read is PowerPoint, MS PowerPoint. Now see, what is MS PowerPoint? It's a MS PowerPoint is a program developed to create the presentation. Developed to create the presentation. Okay. Now let us see what are the topic that we have to read here. Now, so the topic that we have to cover in this chapter MS PowerPoint is introduction to the PowerPoint, starting PowerPoint, PowerPoint window, creating a blank presentation with design, creating the title slide, adding a new slide to presentation. Next is selecting text, deleting text and doing the changes. All of these things we have to read in this chapter. Okay, this chapter we have to read all of these things. Now, let's see what this computer wants to tell us. This computer wants to tell us. Friends, did you enjoy typing in MS Word? Now let us have some more fun. Let's learn to make the presentation in PowerPoint. Let's learn to make some presentation in PowerPoint. Now, introduction to PowerPoint. See, PowerPoint is what? PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. It allows you to create presentation. A PowerPoint presentation is also known as a slideshow. A PowerPoint presentation is also known as a slideshow. So wait, let me show you some slide, okay? Now see, here, यहाँ पे मैम ने क्या ओपन किया है? मैम ने एक PowerPoint presentation ओपन किया है. ये PowerPoint presentation किस टॉपिक पे बेस्ड है? ये PowerPoint presentation बेस्ड है सोलर सिस्टम है. तो अभी मैम आपको समझाएंगे कि कैसे PowerPoint presentation कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी हेल्प करता है. तो ठीक है, दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज सो अबाउट द सोलर सिस्टम. ओके, नाउ सी, देखो तो ये जो आपके सामने आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्लाइड. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड.
नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने बताया है सोलर सिस्टम के बारे में। अब देखो, मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में नहीं बताने वाली, मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि स्लाइड्स कैसी दिखती हैं। दो आपने पिछले क्लासेस में किया है, बट स्टिल लेट्स टेक अ लुक ऑफ कैसी स्लाइड दिखती हैं। देखो, बेस्ट पार्ट इज दैट, अब देखो इस स्लाइड में इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम भी क्या दे दिए, एक पिक्चर सी दे दी है सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम की पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सन, देखो सन के बारे में अगली स्लाइड होगी। देखो कितना प्यारा ये प्रेजेंटेशन है, साइड में एक सन की पिक्चर भी डाल दी, हेडिंग भी डाल दी और सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाल दिए। देखो एमएस वर्ड में भी हम पिक्चर्स डाल सकते थे, बट एमएस वर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ना प्रॉब्लम नहीं है, बट एमएस वर्ड में व्हाट हैपन, एमएस वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली थिंग जो एडवांटेज हमें इसमें मिलता है, सन स्लाइड शेयर में मिलता है, आई मीन पीपीटी में मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, दैट हम अपने पिक्चर को एक बहुत अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लैनेट्स, अब देखो ये लोग प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं, सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव ड्रॉन द प्लैनेट्स हियर, एंड नीचे फिर इनके बारे में बता दिया, प्लैनेट्स बताया, फिर नीचे प्लैनेट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हर एक प्लैनेट के बारे में देखो पिक्चर ऐड करके उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द वे जहां पे हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या करता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करने की सुविधा देता है, एक एडवांटेज देता है। नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर पीडीएफ टू सी मोर थिंग्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखता कैसा है, उसमें किस तरह से पिक्चर इंसर्टेड होती है, किस तरह से पॉइंट होती है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब देखो नेक्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन इज One page of your presentation is called the slide. One page of your presentation is known as what? Slide. And a group of pages on any one topic is called the presentation. One page, one singular page is called the slide. And the group of pages kya kehlati hai? Presentation. ओके, नाउ चलो अपनी प्रेजेंटेशन में देखें, जो प्रेजेंटेशन अभी मैम ने ओपन किया था उस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सी दिस इज वो, दिस इज अ सिंगल पेज, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड। एंड देखो यहाँ पे जो ये ग्रुप्स ऑफ स्लाइड है इनको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज प्रेजेंटेशन। सिंगल स्लाइड, एक सिंगल पेज की बात करें तो वो स्लाइड होती है, और ढेर सारे पेजेस हो गए तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। नाउ
व्हाट डज आई मीन बाय डिजाइनर लुक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट, मैंने ये थीम चुना। तो इन्होंने क्या किया, रिलेटेड कई सारे थीम मेरे यहाँ पे बगल में इधर राइट हैंड साइड इधर इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो ये हमने देखा हाउ वी कैन ऐड द थीम। नाउ फर्स्ट इज व्हाट, आफ्टर एडिंग थीम क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड, क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड एंड एडिंग अ सब टाइटल। सो क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड, व्हाट आर द स्टेप्स टू, देखो क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन पे क्या किया, एक थीम ऐड कर लिया, हमने थीम ऐड कर लिया, हमने इंटीग्रल नाम की एक थीम ऐड किया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू एंटर द टाइटल, जैसे हमने वहां पे क्या लिखा दीपावली, सो लाइक दैट ओनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर अ टाइटल स्लाइड, ठीक है। तो चलो हमने टाइटल स्लाइड भी एंटर कर दिया। सो पावर पॉइंट अज्यूम दैट एवरी स्लाइड हैज अ टाइटल, एनी टेक्स्ट टाइप आफ्टर न्यू स्लाइड डिस्प्ले बिकम टाइटल टेक्स्ट, इन दिस इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, टाइप योर टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, द टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड टैब, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एंटरिंग टेक्स्ट इन सब टाइटल, क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, टाइप योर टेक्स्ट इन योर सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, देन द सब टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड टैब, ठीक है। चलो तो करके देखते हैं इसको। ओके देखो, थीम ऐड करने से, व्हेनेवर यू विल ऐड थीम इन योर डॉक्यूमेंट ना, सो व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर यू विल ऐड द थीम, इट विल मेक्स योर टेक्स्ट अपीयर मोर ब्यूटिफुल। थीम ऐड करने से आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा ब्यूटिफुल नज़र आता है। सो वी हैव डन विद दीज बोथ, हमने ऐड करके देखा, देखा हमने दोनों चीज़ें ऐड करके देखी। नाउ हमने क्या किया, हमने हमने यहाँ पे टाइटल भी ऐड किया और फिर यहाँ पे हमने सब टाइटल भी ऐड किया, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट, अपडेट योर नॉलेज, सो थीम इज द लुक कलर एंड ग्राफिक्स ऑफ द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, व्हेन यू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रॉम्प्ट्स यू टू चूज अ थीम, व्हाट हैपन, व्हेनेवर यू विल चूज अ Whenever you will create a new presentation, PowerPoint will prompt you to choose a theme. When you choose a specific non-blank theme, PowerPoint applies a set of color. So what happens? A set of color, font and placeholder. उस पे क्या होता है? उस पे apply हो जाता है to the slide. Theme may include a background color, background graphics and effects for the background graphics. ठीक है? ये सारी चीजें उसमें क्या हो जाती हैं? Add हो जाती हैं. Got it? ओके सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द थीम, इसके ये दिस इज व्हाट, दिस इज थीम। ओके सो दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एडिंग अ न्यू स्लाइड टू प्रेजेंटेशन, योर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप टू मेक द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर क्रिएटिंग अ टाइटल स्लाइड,
Normally, whenever a presentation is created in addition to slide, one can add text, graphic or chart. Whenever you want to add a new slide, use these steps. ठीक है, आपने पहली स्लाइड बना ली, नाउ यू वांट टू ऐड मोर स्लाइड. वन स्लाइड तो आप चाहिए नहीं आपको, आपको और स्लाइड चाहिए. तो व्हाट आर द स्टेप्स? क्लिक ऑन द होम टैब, ऑन द रिबन टैब, क्लिक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द न्यू स्लाइड बटन. ठीक है, नाउ लेट अस सी. तो हमारी पहली स्लाइड तैयार है. नाउ वी वांट टू एंटर सब मोर स्लाइड. ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? हमें कुछ और स्लाइड्स चाहिए. ओके, तो वी विल गो ऑन इंसर्ट. इंसर्ट पे देखो, वी विल गो ऑन न्यू स्लाइड. वी विल क्लिक ऑन न्यू एंड हियर वी विल गेट टाइटल स्लाइड ओनली, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर. दीज आर द डिफरेंट, यू नो, दीज आर द डिफरेंट वेरियंट. पहला कि आपको खाली टाइटल स्लाइड चाहिए, देन टाइटल एंड कंटेंट दोनों चाहिए, देन सेक्शन एंड हेडर चाहिए. व्हाट डू यू वांट? दे आर आस्किंग. ठीक है, अगर जैसे किसी को डिफरेंशिएट करना है, मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है, सपोज इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन होली एंड दीपावली. जैसे आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसमें सर करवाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, डिफरेंशिएट बिटवीन वट एवर. ओके, तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करनी है तो मुझे क्या चाहिए? टू कंटेंट चाहिए होगा. ठीक है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो आई विल यूज दिस वन और आई विल यूज दिस वन. जैसे दिस वन इज फॉर कंपैरिजन, तो आई कैन यूज दिस वन ना. अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो आई कैन यूज दिस वन. सपोज इफ आई वॉन्ट टू एड पिक्चर विथ कैप्शन, अगर मुझे पिक्चर चाहिए और पिक्चर के साथ साथ मुझे उसमें कैप्शन भी ऐड करना है, तो आई विल चूज दिस वन. If I want to add just a blank presentation, I will add this one. So these all are the different ways through which I can add a slide. So I am going to choose title and content. Let's see what happened. I have clicked this one and click on add slide. So it will take some time. It will move round and round and yes, see. अभी मेरे स्क्रीन पे क्या हो गया? अच्छा देखो, मेरे स्क्रीन पे तो आ गया add to मेरी स्क्रीन पे तो आ गया स्लाइड. बट देखो इस साइड, दिस साइड हाउ ब्यूटीफुल ऑप्शंस आई एम गेटिंग, है ना. सो आई रियली लाइक दिस फर्स्ट वन. तो आई एम गोइंग टू चूज दिस वन. ठीक है, चलो और देख लेते हैं और कौन कौन से डिजाइन है हमारे पास. तो देखो पावर पॉइंट की, देखो दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड ना. अगर मैं ये वाला चूज करूँ सो वॉट हैपन इफ आई चूज दिस वन? तो सी something like this will happen to my slide. Still beautiful, है ना. और आगे चल के देखते हैं. Yeah, I can choose this one also. So what will happen if I will choose this one? Yeah, see, देखा कितना beautiful ये दिख रहा है ना. Yes, correct. तो this is how you can add the more slide. आप इस तरह से क्या कर सकते हो अपने और स्लाइड्स आप. या अगर मैं इसको प्लेन रखना चाहूँ तो आई विल क्लिक दिस वन. अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो क्या होगा? मेरा टेक्स्ट एकदम कैसा आएगा? माय टेक्स्ट विल बी प्लेन, स्लाइड विल बी प्लेन. स्टिल बेटर, दिस साइड आई विल राइट द टाइटल एंड दिस साइड आई विल राइट द एक्सप्लेनेशन. टाइटल हमने लिखा और इस साइड व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट द एक्सप्लेनेशन. टाइटल के बाद दिस साइड आई विल राइट द एक्सप्लेनेशन. सो आई एम गोइंग टू चूज द सिंपल वन. Where is that? Let's choose this one. First one, मुझे बहुत पसंद आया था. तो इधर we will write the slide. Click to add the slide is there ना. So this click to add the title. So here we will add the title. So whatever the title you want to write, you can write here. Okay. Okay. Now the next topic is selecting that text. ठीक है, suppose if you want to change the font style or anything like that, so you have to select the text. So kids, selecting the text and formatting the slides, that we will do in our next class. So today we have done up to adding a slide in a designer theme. And yes, please do practice these at your home. And please let me know. Okay, so this is it for today. And now we will meet in our next class.
Hello kids, welcome back to your computer class. And kids, today we will learn about Microsoft PowerPoint presentation. Okay, so let us start. Okay, so here I will click the change layout option. Okay, so some problem is there and let's see what will happen. चलो फिर से एक बार चेंज लेआउट करके देखते हैं. सो एज यू नो मैम इज यूजिंग द ऑनलाइन मेथड, तो दैट्स वाई आई गेस दिस प्रॉब्लम इज अपियरिंग, बट स्टिल चलो करके देखते. यस, देखो नाउ व्हाट हैपन. अब देखो ये टू पार्ट्स में हमारे स्क्रीन पे आ गया है ना. अब ये हमारे स्क्रीन पे कितने पार्ट में आ गया, टू पार्ट में ये हमारे स्क्रीन पे आ गया. तो वी कैन ऐड द वी कैन ऐड द डिफ्रेंशिएशन हियर. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो लिविंग फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग, से डॉग cat, or we can write animal, just animal. Here we can write table, chair, and all this we can write here in, you know, living non-living way we can write this thing. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो ये तो बात हो गई changing the layout, यहाँ पे ये बात हो गई how we can change the layout. अच्छा ठीक है, after this, after changing the layout, next option is what, adding a picture image. ठीक है, next option is how you can add a picture image in your document. Next option is कैसे हमें picture image को अपने document में क्या करेंगे, add करेंगे. So see what will happen when you will add a picture in your document, tell me. Picture add करने के plus point क्या है, what will happen if you will add a picture in your document. So the moment you will add the picture in your document ना, it will help you to make your presentation more attractive. ठीक है, it will help you to okay. Now next is how we can add pictures. So there are two ways to add picture. I have told you several times. One is that we can add picture, one is that you can add picture that that is there in your that is there in your computer, in your system, and the next option is, next option is you can add your picture with the help of online method. ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने पिक्चर को वहां पे अपलोड कर सकते हो. ओके, ठीक है. नाउ लेट अस सी. सो अ पिक्चर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी एडेड टू द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. So whatever the picture you have stored in your computer, that picture you can use in the slide of your presentation. Now display the slide in which you want to add a picture. ठीक है, display the slide in which you want to add a picture. Change the layout of the slide to one that include a placeholder for a picture. ठीक है, click on picture icon. To add a picture to the slide. Next is what, you have to add a picture. आपने क्या करना है, you have to click on a picture to add a picture on the slide. The insert picture dialog box will appear and you will be able to select your picture from there. So the insert picture dialog box will appear. These areas shows the location of the displayed picture. This area
shows the location of the displayed picture. You can click on these areas to choose your location. Okay. Now, next is click on the insert to add the picture to the slide. Next is what? You have to click on the picture to add the picture in the slide. Okay. Let us try doing this. Okay. So I'm going to open that picture option here. Achha, theek hai. Now again I'm going to change the layout. I'm going to change the layout picture with caption. And do I have anything else here? No. So I will click on picture with caption. And then I will click on change layout. Now, here I am getting the picture option now. So, what I can do? I can add picture here. ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? I can easily add picture here. Let us do. So, here I am getting two picture option. See, how beautifully it is arranged here. Here one option is given from where I can upload picture from the laptop, and the next one is that I can download picture from internet also. So two options are there. Okay. चलो, so first I will show you how to upload picture from your computer only. So I am going to add a picture from here. I will choose the file. Now see here they are showing us the areas. ठीक है? ठीक है? ठीक है? यहाँ पे दे आर शोइंग अस द एरियाज जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी लैपटॉप में पिक्चर कहाँ कहाँ है. ओके, नाउ मूविंग अहेड. चलो तो आई एम गोइंग टू डाउनलोड अ पिक्चर फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड आई एम यूजिंग दिस टाइम ओपन insert and see what happened. See, a picture is here. यहाँ पे time की एक clock की क्या हुई, picture बन के मेरे सामने आ गई है. clock की picture बन के मेरे सामने आ चुके. so I am going to now I am going to resize this picture. so like this we can resize the picture. ठीक है? okay. So this is how you can upload a picture that is already there in your computer screen. Okay.
Okay, now, so next option is that how we are going to upload a picture with the help of what? With the help of a with the help of online method. ठीक है, online method से कैसे